है फ्रेंड, ये मेरे पास आज 12 प्रो आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर हाई बता रहा है, नीड कूल डाउन बिफोर यूज इट। और इसमें दूसरा भी प्रॉब्लम यह है कि लाइट ऑफ हो जाता है। मोबाइल फ़ोन तो ऑन रहता है लेकिन डिस्प्ले ऑफ हो जाता है मैसेज आने के बाद। आप लोग देख सकते हो मोबाइल में ये लाइट भी ऑफ हो गई, और इसके बाद कुछ भी काम नहीं करेगा, ना पावर की वॉल्यूम की, डिस्प्ले ऑफ हो जाते हैं। और ये टेम्परेचर हाई का मैसेज आके फिर लाइट ऑफ हो जाती है, कुछ भी काम नहीं करता। मोबाइल तो पावर ऑन है लेकिन उसके आगे कुछ काम नहीं करता। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें पहले हम लोग इसका चार्जिंग स्ट्रिप निकाल के देखेंगे। कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी मॉडल, पहले सब स्ट्रिप वन बाय वन निकाल के चेक करते हैं। हो सकता है कोई स्ट्रिप शॉर्ट होएगी तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ये चार्जिंग स्ट्रिप निकाल दी है, फिर उसके बाद पावर ऑन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो पावर ऑन हो रहा है अभी। ये मैंने चार्जिंग केबल रिमूव कर दिया, उसके बाद देखते हैं कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर ऑन हो रहा है अभी। ये मेरा देखो अभी सब ऑन हो गया, अभी सब कुछ काम करेगा। मतलब हमारे चार्जिंग स्ट्रिप में शॉर्टिंग था। अब ये कंफर्म हो गया कि चार्जिंग केबल का ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चार्जिंग केबल में शॉर्टिंग है। अगर चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करते हैं तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ इसी केबल को रिपेयर करके देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो वन बाय वन चेक करते हैं कहाँ से शॉर्टिंग है। ये फ़ोन वाटर डैमेज था तो कहीं ना कहीं पानी होएगा, इसके लिए कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग हो रहा है। तो वन बाय वन चेक करते हैं किधर से शॉर्टिंग हो सकता है। पहले वाइब्रेटर निकाल के देखेंगे कि इसमें कहीं तो नहीं है। तो खोल लेते हैं पहले वाइब्रेटर सब खोल के, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें पानी तो नहीं। अगर पानी रहेगा तो ये यहाँ से भी शॉर्टिंग हो सकता है, अगर नहीं यहाँ से हो सकता है। अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर और दूसरा स्ट्रिप देखते हैं। पहले माइक्रोस्कोप में चेक करता हूँ, देखता हूँ पानी है कि नहीं। ये माइक्रोस्कोप में देख पा रहा हूँ मैं, ये क्लीन है, इसमें वाटर डैमेज नहीं है, ना कोई शॉर्टिंग है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। भाई ध्यान से देखते नहीं हो, फॉरवर्ड करके देखते हो, समझ में कहाँ से आएगा। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ये मैंने वाइब्रेटर केबल फिर भी रिमूव कर दिया, उसके बाद रिमूव करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी वाइब्रेटर भी शॉर्ट रहता है, इसके लिए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाइब्रेटर केबल मैंने रिमूव कर दिया है, उसके बाद फिर से पावर ऑन करके अभी चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सेम है या सॉल्व हुआ हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, तो पावर ऑन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सेम है या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा। ये अभी पावर ऑन हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखो हमारा स्क्रीन ऑफ हो गया वापस से, मतलब प्रॉब्लम सेम ही है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और ये मैसेज भी आ गया ओवर हीटिंग का, फिर स्क्रीन ऑफ हो जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है यही प्रॉब्लम। मतलब ये हमारा वाइब्रेटर सही है, वहाँ से शॉर्टिंग नहीं है, हमारा शॉर्टिंग कहीं और से है। अब दूसरा स्ट्रिप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब इसके बाद स्टेप टू ये देखते हैं कि इसका प्रेशर सेंसर में तो शॉर्टिंग नहीं है, वाइब्रेटर तो मैंने चेक कर लिया वो परफेक्ट है। फिर उसके बाद प्रेशर सेंसर चेक करते हैं, उसमें हो सकता है कि पानी हो, इसके लिए शॉर्टिंग हो रहा है। तो
उसको भी निकाल के देख चेक करते हैं कि वाटर डैमेज है या नहीं है। पानी अगर गया होगा उसको तो उसको रिपेयर करेंगे, फिर भी नहीं होता तो चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है यहीं से प्रॉब्लम होएगी। फिलहाल चेक कर लेते हैं इसको निकाल के। ये मैंने निकाल के चेक कर रहा हूँ तो इसी में शॉर्टिंग दिख रही है, इसी में पानी गया हुआ है, वाटर डैमेज है। तो ये बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है। कुछ लोग तो पूरा चार्जिंग स्ट्रिप ही चेंज कर देते हैं, कुछ लोग इसको रिपेयर करते हैं। तो पहले रिपेयर करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है, प्रॉब्लम सेम है, तो चार्जिंग केबल पूरा चेंज करेंगे। लेकिन ये चार्जिंग केबल ओरिजिनल है, इसका तो चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसी को अगर रिपेयर करके देखते हैं, अगर ये हो जाता है सही तो अच्छी बात है। पहले इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद वापस चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। मैं चार्जिंग स्ट्रिप पूरी रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि खोलने में बहुत टाइम जाएगा, और मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस से कुछ ख़राब नहीं होगा। करते करते फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो कैसे भी काम करो चल जाती है। केबल निकाल के भी कर सकते हो, आपके हैंड स्किल के ऊपर है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बिना केबल निकाले ही कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही बिना केबल निकाले ही ऐसे ही इसको रिमूव करके देखता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही यहीं से निकाल के चेक कर रहा हूँ। इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ये मेरा आसानी से निकल गया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान। वो कुछ भी आजू बाजू में जो भी पार्ट्स लग गए वो ओवर हीट नहीं होगा। मीडियम टेम्परेचर पे इसको निकालने के हैं। ये मैंने निकाल दिया है, फिर उसके बाद चेक करेंगे इसको कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं डिस्प्ले कनेक्ट कर लूँ, फिर चेक करते हैं। इन्वर्ट भी नहीं रहा कभी 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 एक स्ट्रिप लगाने में बार बार करना पड़ता है, कभी कभी तुरंत ही लग जाते हैं, सबके साथ होता है। फिर भी देखते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक बार में बैठे या पांच बार में बैठे उसको आराम से बैठाने गए, ज़बरदस्ती नहीं बैठाना, नहीं तो कनेक्टर टूट जाएगा। आराम आराम से वो ऑटोमेटिक जाके बैठ जाएगा। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब घाट में जाएगा तो आराम से बैठ जाएगा कनेक्टर। वापस से पावर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद तो है कि हो गया होगा, अभी देखते हैं चेक करके हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रेशर सेंसर था, ये रिमूव कर दिया मैंने। ये बहुत इजीली डैमेज हो जाता है प्रेशर सेंसर, थोड़ा सा भी पानी गया तो डैमेज हो जाता है। ये देख आप लोग देख सकते हैं, हमारा स्क्रीन भी ऑन है और मैसेज भी नहीं आया। मतलब प्रेशर सेंसर ही हमारा शॉर्ट था, कंफर्म हो गया ये यहाँ से ही हमारा प्रॉब्लम था। मैं इसी को लगा के चेक करूँगा, दूसरा तो नहीं लगाऊंगा, इसी को लगा के चेक करते हैं। सेंसर पानी जाने की वजह से शॉर्ट दिखा रहा था, लेकिन शॉर्ट नहीं है, पानी जाने की वजह से ऐसा शॉर्ट दिखा रहा था। इसको फ्लेक्स लगा के लो टेम्परेचर पे इसको रिबॉल करेंगे, मीडियम टेम्परेचर 158 से इसको रिबॉल करेंगे सोल्डिंग आयरन से। क्लीन भी हो जाएगा, जो भी पानी रहेगा वो भी चला जाएगा, रिबॉल भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसमें। ये मैंने सोल्डिंग आयरन से इसको क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद सेंसर को क्लीन करेंगे, रिबॉल करेंगे उसको, फिर उसके बाद बैठाएंगे उसको लो टेम्परेचर पे करने का, मीडियम टेम्परेचर, सॉरी लो बोल रहा हूँ, मीडियम टेम्परेचर पे 158।
सोल्डिंग आयरन यूज करने के, सोल्डिंग वायर या VGF-Flex जो भी आते हैं, VGF-Flex भी आता है, सोल्डिंग आयरन भी आता है, तो इससे मैं इसको रीसोल्डिंग कर दूंगा। ये हमारा रीसोल्डिंग हो गया है। उसके बाद इसको वापस से बैठा के चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और इसका एक और मसला ये है प्रेशर सेंसर का, कि बिना प्रेशर सेंसर का तो हमारा मोबाइल पावर ऑन हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट के बाद ये रीस्टार्ट हो जाए होगा। हर एक 3 मिनट पे हमारा मोबाइल जो है रीस्टार्ट होगा बिना प्रेशर सेंसर का। अगर ये प्रेशर, अगर मैं ऐसे ही पावर ऑन करके छोड़ देता हूँ तो एवरी 3 मिनट में मोबाइल रीस्टार्ट ऑटोमेटिक होएगा। इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। बिना सेंसर का भी पावर ऑन ऑन तो हो जाएगा, चलेगा भी, लेकिन 3 मिनट के लिए, 3 मिनट बाद रीस्टार्ट होएगा जब तक ये सेंसर हमारा लगा नहीं रहेगा। प्रेशर सेंसर को अच्छे से लगाएंगे इसमें ब्लोअर से। ये मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा किरास बैठ रहा है लेकिन आ जाएगा सीधे भी। बैठ तो गया लेकिन थोड़ा किरास लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा किरास बैठा है। इसको फिर से निकाल के मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा क्रॉसिंग वेट, सीधा बैठना चाहिए। अब सीधा हुआ, अब सीधा बैठ गए हैं, फर्स्ट क्लास, एक नंबर बैठ गए हैं। 100% गारंटी के साथ चलेगा ये, दिखने में ही लग रहा है कि फर्स्ट क्लास बैठाएगा तो चलेगा भी, चलना तो चाहिए। फिर उसके बाद चेक करते हैं हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। इस बार मैं दूसरा डिस्प्ले बैठा के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्प्ले अच्छा है और ओरिजिनल भी है। वो बार बार चेक करने से वो डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए कोई भी ख़राब डिस्प्ले डाल के बार बार चेक करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्प्ले में, नहीं तो बार बार निकालो लगाओ फिर उसके बाद डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए मैंने ये टूटा हुआ डिस्प्ले डाल के चेक करने के लिए, कंफर्म के लिए ये टूटा हुआ डिस्प्ले लगाया है कि वो बार बार चेक करने से वो डिस्प्ले ख़राब ना हो। अगर आप लोग के पास ख़राब डिस्प्ले रहता है तो आप लोग वही लगा के चेक करते रहें, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले महंगा आता है, अगर वो ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बार बार चेक करने से। तो ये मेरा पावर ऑन हो गया, आप लोग देख सकते हैं, मैसेज भी नया ओवर हीटिंग का, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसमें पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए अभी पासवर्ड तो कस्टमर ने नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं, अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा मैसेज तो ओवर हीटिंग का खलास हो गया, और जो स्क्रीन बार बार ऑफ हो जाती थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दोनों फॉल्ट एक ही से था, प्रेशर सेंसर से ही था। तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो 3 मिनट के बाद जो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम रहता है वो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, पासवर्ड तो है नहीं, कस्टमर ने पासवर्ड तो दिया ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पासवर्ड रहता है तो मालूम पड़ता है कि 3 मिनट बाद मोबाइल रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा। कस्टमर ने पासवर्ड नहीं दिया, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर बिना पासवर्ड खोले अगर ऐसे ही रख दो फ़ोन तो रीस्टार्ट नहीं होता। जब तक पासवर्ड नहीं खोलेंगे जब तक वो 3 मिनट बाद रीस्टार्ट नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका फ्लैश जो रहता है फ्लैश लाइट वो पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन करने के बाद 3 मिनट तक, 5 मिनट तक या जो भी है, 3 मिनट तक ज़्यादा ही रिस्टार्ट होता है, तो 3 मिनट तक चेक करेंगे फ्लैश लाइट ऑन करके कि हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है तो मतलब हमारा प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है,
अगर नहीं रिस्टार्ट होगा तो हमारा प्रेशर सेंसर सही बैठा है, ख़राब भी नहीं हुआ है, ना हीटिंग से ना वाटर डैमेज से, सही है। हमें केबल के चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो चलिए चेक करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर दिया था मैंने। आप लोगों ने टाइमिंग देखा होगा, 5:31 पे मैंने पावर ऑन किया था इसको। उसके बाद 3 मिनट तक देखते हैं कि हमारा रिस्टार्ट होता है या नहीं होता है। अगर रिस्टार्ट होता है हमारा फ़ोन तो हमें चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे उम्मीद तो है कि चेंज नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। वेट करते हैं 3 मिनट तक, फ्लैश लाइट ऑन करके रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होगा या नहीं होगा। उम्मीद तो है नहीं होगा। 3 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हो रहा है सही कि नहीं हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोग नए हैं तो। अभी हम लोग देखते हैं, इसमें 5:35 हो गया, मतलब 4 मिनट हो गया हमारा फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ। 5:35 हो गया, आप लोग देख सकते हैं टाइम। 1 मिनट और रुक जाते हैं, वो भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा, देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन है, रिस्टार्ट नहीं हुआ। 5:35 हो गए हैं, हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, और जो लाइट ऑफ हो जाती है उसका भी, और ये रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है। 5:36 हो गए, यानी 5 मिनट मैंने